माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं बजट के का समर्थन करते हुए माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी को समाज के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों, रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बजट में बिना यात्री भाड़ा बढ़ाए लोगों को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, रेलवे की क्षमता समर्थन करने, स्टेशन प्रबंधन, खान पान, केटरिंग, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, कौशल विकास जैसे मूलभूत चीज़ों पर ध्यान दी गई है। नई परियोजनाओं पर विचार करने के बजाय दूरदर्शी कदम रेल की वर्तमान स्थिति को बेहतर करने, लंबित चल रही परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, तिहरीकरण, विद्युतीकरण, औसत गति बढ़ाने, स्वच्छता, नए शौचालय निर्माण, आदर्श स्टेशनों का निर्माण करने जैसे वास्तविकता धरातल पर लाने का प्रयास किया गया है। महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए निर्भया निधि के इस्तेमाल, महिला कोच में सीसीटीवी कैमरा, गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों के लिए लोअर बर्थ आरक्षण करने, 5 मिनट में आरक्षित टिकट ट्रेनों की स्थिति जानने, एसएमएस रेलवे में नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन जैसे पारदर्शी व्यवस्था है। देश के 20% स्टील, 30% एल्युमिनियम, 16% कोयला, 17% लौह अयस्क की आपूर्ति सर्वाधिक लाभ कमाने वाले जोन रेलवे जोन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, जहां रेलवे की मात्रा 188 किलोमीटर रूट लाइन है। विगत वर्षों में 19 किलोमीटर लाइन का विस्तार हुआ है। 27 में से 11 जिले रेल सुविधा से वंचित हैं। बजट में रायगढ़ में टर्मिनल निर्माण का निर्माण एवं बस्तर के रावघाट परियोजना शीघ्र पूरा करने की व्यवस्था की जाए। देश की पहली ऐसी 3 रेल कॉरिडोर परियोजना जो राज्य सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत रेलवे से एमओयू किया है के ए बन जाने से छत्तीसगढ़ में विकास का पहिया रेल के पहिए की गति में घूमेगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा क्षेत्र के आदिवासियों एवं इन पिछड़े इलाकों के क्षेत्र आदिवासियों को मिलेगा। बजट में प्रस्तावित तिल्दा, पलारी, बलौदा बाजार, कसडोल, सरसीवा, बरगढ़, ओडिशा 194 किलोमीटर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराकर रेल लाइन बनाने पर नए जिले बलौदा बाजार, रायगढ़ एवं ओडिशा राज्य के बरगढ़ क्षेत्र में रेलवे सुविधाएं का विस्तार होगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन जांजगीर नैला में साउथ बिहार मेल एवं हीराकुंड एक्सप्रेस, चापा में ज्ञानेश्वरी गीतांजलि, अकलतरा में मेल एक्सप्रेस, शक्ति में अहमदाबाद एवं बाराद्वार में कुलरा एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के साथ ही सभी इन सभी स्टेशनों के प्लेटफार्मों का विस्तार, शेड निर्माण, बैठने के लिए कुर्सियां, आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, पेयजल, शौचालय, पैदल पुल, यात्री प्रतीक्षालय, जांजगीर नैला में रेलवे थाना की स्थापना करने जैसे मूलभूत सुविधाएं दी जाने की मांग करती हूं। इस रूट से चलने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस जो रायगढ़ से चलती है को रायगढ़ से बिलासपुर तक फास्ट पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाने, कोरबा से रायपुर तक बंद की गई इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन पुनः प्रारंभ करने, बिलासपुर से नई दिल्ली तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं रायपुर से निजामुद्दीन तक चलने वाली संपर्क क्रांति को प्रतिदिन करने, इंदौर से बिलासपुर तक चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस का परिचालन रायगढ़ से तक बढ़ाए जाने, कोरबा या रायगढ़ से इलाहाबाद के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की मांग करती हूं। धन्यवाद।